नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, सत्यम शिवम सुंदरम यानी शिव ही सत्य है, शिव सुंदर है। सूत्र वाक्य को चरितार्थ करने के लिए पूरे भारत में मनाया गया महाशिवरात्रि का महापर्व। गोरखपुर संसदीय उपचुनाव के लिए प्रशासन तैयार, जिलाधिकारी तथा एसएसपी ने कार्यक्रमों की दी जानकारी। कहा 2041 बूथों पर 19,49,178 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। कहा सुरक्षा के व्यापक हैं इंतजाम। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। संगोष्ठी में कई राज्यों से आए वक्ताओं ने अपने काव्यों का किया पाठ। लोकसभा चुनाव के लिए स्कूली बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला, दिया मतदाता जागरूकता का संदेश। जिलाधिकारी ने कहा स्कूली बच्चों का सार्थक है प्रयास। गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी प्रतियोगिता के तहत छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए निजीकरण आवश्यक है विषय पर पक्ष विपक्ष में रखे अपने विचार। महाशिवरात्रि पर मुक्तेश्वर नाथ शिव मंदिर में आस्था की उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ की पूजा अर्चना। 4 मार्च को अदा की जाएगी बाले मियां के लग्न की रस्म। कलेक्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुरू हुआ नामांकन की प्रक्रिया, 13 लोगों ने खरीदा पर्चा, नहीं हुआ कोई नामांकन। एडीएम प्रशासन ने लिया व्यवस्था का जायजा। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में मंगलवार से आरंभ हुई 7 दिवसीय योग शिविर, वक्ताओं ने समसामयिक परिवेश में योग एवं प्राणायाम पर रखे विचार। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चला हस्ताक्षर अभियान, की जिलाधिकारी ने शुरुआत। कहा अपने मतों का अवश्य करें प्रयोग। खादी प्रदर्शनी में सदरी और शाल की धूम। गोरखपुर महानगर में 12 अप्रैल तक धारा 144 लागू। और लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी ने लगाई जीत की हैट्रिक। अब समाचार विस्तार से। सत्यम शिवम सुंदरम यानी शिव ही सत्य है, शिव सुंदर है। इसी सूत्र वाक्य को चरितार्थ करने के लिए पूरे भारत में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। शंकर और पार्वती के विवाह की तारीख का आज पूरा भारत गवाह फिर से बना और चिरकाल तक बनता ही रहेगा। महादेव के महापर्व पर गोरखपुर में भी श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था रूपी जल और दूध से शिवलिंग पर अपनी भावनाओं को उड़ेला। महादेव झारखंडी के प्राचीनतम मंदिर में लोग शिव को प्रसन्न करने के लिए सूरज की पहली किरण से ही पंक्तिबद्ध कतारों में एक सुव्यवस्थित तरीके से खड़े नजर आए। आपको बताते चलें कि गोरखपुर महानगर के प्राचीनतम महादेव झारखंडी मंदिर में विगत कई वर्षों से शिव भक्तों का महाशिवरात्रि के पर्व पर जमावड़ा लगा रहता है और मंदिर के आसपास का पूरा माहौल भक्तिमय वातावरण से महक उठता है। श्रद्धालुओं के कतारों में जहां एक ओर बड़ी संख्या में महिलाएं दिखीं, वहीं दूसरी ओर पुरुष और बच्चे भी अपने भोले बाबा के दर्शन के लिए आतुर दिखे। भोले बाबा को जल और दूध चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में ही लगे मेले का लुत्फ भी उठाया। Yeah.
Thank you.
छोटा सा ब्रेक। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर संसदीय उपचुनाव के संबंध में जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला तथा एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। 21 फरवरी को पर्चों की जांच तथा 23 फरवरी को नाम वापस लिया जा सकता है। उसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलाट किया जाएगा तथा 11 मार्च को मतदान तथा 14 मार्च को गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए विधानसभा वार एआरओ नियुक्त किए हैं, जो चुनाव को संपन्न कराने में सहायक होंगे। उन्होंने बताया कि गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में कुल 967 पोलिंग केंद्र तथा 2141 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें कुल 19,49,178 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस मौके पर एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किए जाएंगे। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में आरओ तथा जिलाधिकारी राजीव रौतेला और एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया। आप सभी अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गोरखपुर की 64 गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की सीट पर उप निर्वाचन की घोषणा दिनांक 9 फरवरी को कर दी गई और उसके क्रम में आज 13 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में मेरे द्वारा इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है और आज से ही ये पूरा कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि नॉमिनेशंस आज से शुरू हो जाएंगे। इसका जो प्रोग्राम है वो 20 तारीख तक नॉमिनेशंस का समय है। 20 फरवरी नॉमिनेशंस का अंतिम दिन होगा। इसके अगले दिन यानी 21 तारीख को नॉमिनेशंस पेपर्स की जांच होगी और इसके बाद 23 तारीख को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। जो लोग अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहेंगे, अपना अभ्यर्थन, वो अपना नाम वापस कर सकते हैं और उसी दिन 23 तारीख को 3 बजे से अलॉटमेंट ऑफ सिंबल शुरू है। तो ये प्रथम चरण है जिसमें हमारे जो इस चुनाव के लिए जो प्रत्याशी होंगे वो अवधारित हो जाएंगे। इसके बाद की प्रक्रिया में बैलेट पेपर की तैयारी, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है उनकी तैयारी, हमारे जो मतदान कार्मिक हैं उनका प्रशिक्षण, सेक्टर मजिस्ट्रेट और दोनों मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर और दोनों पुलिस ऑफिसर के रूप में उनके द्वारा क्षेत्र का भ्रमण और अंततः 11 मार्च को मतदान होगा। मतदान के पश्चात 14 मार्च को मतगणना होगी और उसके पश्चात परिणाम की घोषणा होगी। तो ये पूरा कार्यक्रम इस उपनिर्वाचन का है। इस उपनिर्वाचन में हमारे यहाँ पूरे जनपद में निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। हमारी इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो पांचों की पांचों इसी जिले की हैं। इनमें हमारे 967
मतदान केंद्र हैं। हमारे 2141 मतदेय स्थल हैं और इन सभी की तैयारी भी इस समय हमारे विभिन्न विभागों द्वारा संपन्न की जा रही है। दिनांक 9 फरवरी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होते ही हमारे पूरे जनपद में निर्वाचन आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और उसके प्राविधानों के अंतर्गत पूरे जनपद में इस समय हमारी टीमें निरंतर प्रवर्तन का कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी अन्य प्रत्याशी का जो निर्वाचन का प्रचार का जो क्रम है वो सभी का सभी रेगुलेशंस के अंतर्गत होगा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का चुनाव का प्रचार के रूप में बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, झंडे, झंडियां, वॉल लाइटिंग इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी और प्रचार के समय जो प्रचार की पूरी अवधि रहेगी इसमें सभी राजनीतिक दलों को और सभी अन्य प्रत्याशियों को अपना चुनाव प्रचार करने की स्वतंत्रता रहेगी और सुविधा रहेगी, किंतु इसके लिए उनको प्रॉपर अनुमति प्राप्त करनी होगी। ये जो अनुमति की पूरी व्यवस्था है इसके लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम किया है, एकल खिड़की व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जिसको भी कोई अपना अनुमति का प्रार्थना पत्र देना होगा वो उस एकल खिड़की व्यवस्था में आएंगे और अपना प्रार्थना पत्र वहां पर देंगे। एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत हमने कलेक्ट्रेट में ही इसका आयोजन कर दिया है और इसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों को वहां पर हमने एक साथ बिठा दिया है, जिससे कोई भी प्रार्थना पत्र आने पर जिन विभागों से भी उसकी रिपोर्ट्स आनी हो वो विभागीय अधिकारी अपने विभागों से तत्काल उस रिपोर्ट को मंगाएं और मंगाने के बाद प्राविधान ये है कि 48 घंटे में हमको अनुमति जारी करनी चाहिए, लेकिन हम लोग उसको और भी अल्प समय में जारी करेंगे। इसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए पूरे जनपद में हमारी स्टैटिक सर्विलांस टीम्स लगी हैं, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड्स लगी हैं और हमारी वीडियो सर्विलांस टीम्स लगी हैं। ये सभी टीम्स अपना कार्य कर रही हैं और इनकी व्यवस्था ये है कि ये जो भी कार्य प्रवर्तन का करेंगे उस कार की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी होगी और जो वीडियोग्राफी का जो डेटा है वो हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम में प्रतिदिन संचित भी कराया जाएगा। हमारे यहाँ इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो अन्य आवश्यकताएं हैं उसमें हमारे मतदान कार्मिकों की तैनाती है। जितने मतदान कार्मिक हमको इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए चाहिए उनकी उपलब्धता हमारे जनपद के विभिन्न विभागों में मौजूद है, हमको बाहर से कहीं से कोई कार्मिक नहीं लेने हैं और जो निर्वाचन की प्रक्रियाओं में प्राविधानित है उसके अनुसार हम लोग उनकी तैनाती कराएंगे और जब हमारे पर्यवेक्षक जनपद में आ जाएंगे तो रेंडमाइजेशन टेक्निक से इन मतदान कार्मिकों की तैनाती उनके रिस्पेक्टिव मतदेय स्थलों पर होगी। भारी और हल्के वाहनों की भी रहती है, भारी वाहन हमको लगभग 500 चाहिए जिसके सापेक्ष पर्याप्त संख्या में बसें हमारे जनपद में उपलब्ध हैं, उसकी कार्रवाई भी आरंभ हो गई है। हल्के वाहन जो हमारे जोनल और सेक्टर ऑफिसर्स होंगे और विभिन्न हमारे अन्य ऑफिसर्स होंगे, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स होंगे, उनके लिए लगभग 250 वाहनों की आवश्यकता है, जिसमें से हमारे पास सरकारी वाहन लगभग 100 उपलब्ध है और शेष वाहन हम लोग प्राइवेट वाहनों का अधिग्रहण करके व्यवस्था सुनिश्चित करा लेंगे। हमारी जो
पोलिंग पार्टीज के प्रस्थान की व्यवस्था रहेगी वो सारी की सारी पांचों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, वो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के प्रांगण से होगी, जिसके लिए हमने 5 अलग अलग स्थान निर्धारित कर दिए हैं। ये मध्य दलों का जो प्रस्थान है वो 10 मार्च को होगा और मतदान कराने के पश्चात 11 मार्च को ये सभी दल वापस उसी स्थान पर आकर अपनी निर्वाचन सामग्री को संचित कराएंगे। वहीं पर हमारे 5 स्ट्रांग रूम्स बन रहे हैं जो पूरी तरह से, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं जो हमको जनपद में प्राप्त होंगे, उनकी सुरक्षा और देखरेख में रहेंगे। और इन्हीं स्थानों पर 14 मार्च को मतगणना की कार्रवाई होगी। मतगणना के लिए हमको लगभग 400 मतगणना कार्मिकों की आवश्यकता है और ये मतगणना कार्मिकों की संख्या भी पर्याप्त रूप से हमारे जनपद में उपलब्ध है। निर्वाचन को बहुत ही पारदर्शी, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए हमारी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की और जोनल मजिस्ट्रेट्स की, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स और जोनल पुलिस ऑफिसर्स की व्यवस्था है, उसके अतिरिक्त जो हमारे संवेदनशील बूथ होंगे उनकी वेबकास्टिंग भी होगी। हमारे जो 2141 मध्य स्थल हैं उनसे जो आच्छादित वोटर हैं, कोई ऐसे वोटर्स व्यक्तिगत या समूह जिनके बारे में इस प्रकार की रिपोर्टिंग होगी कि कोई दबंग व्यक्ति या समूह उनको वोट ना डालने के लिए या किसी के पक्ष में डालने के लिए प्रभावित कर सकता है, उसकी ऐसे जो वल्नरेबल एरियाज हैं या वल्नरेबल समूह हैं उनकी मैपिंग की कार्रवाई भी आज से आरंभ हो रही है। आज हमारे सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स अपने अपने एरियाज में जा रहे हैं, वो तमाम चीज़ें देखेंगे, वो मध्य स्थलों की व्यवस्था भी देखेंगे, वो रूट चार्ट भी देखेंगे और इसके अलावा जो वल्नरेबल मैपिंग की मैंने आपसे बात की है उसके बारे में भी वो अपना आकलन करेंगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हम लोगों ने जो हमारे मध्य स्थल हैं 2141 और 967 मतदान केंद्रों में हैं, उनमें हमारे 13 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनमें 10 या 10 से अधिक 21 तक मध्य स्थल हैं, तो ये हमारे मतदान केंद्र बड़े हैं। इसके लिए हम लोग विशेष व्यवस्था फोर्स की रखेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से एक मानक है मतदान केंद्रों पर फोर्स के डिप्लॉयमेंट का, वो उसके मानक के अनुसार से डिप्लॉयमेंट होगा। चूँकि ये उपनिर्वाचन है और देश में इस समय संसदीय क्षेत्रों के केवल 3 उपनिर्वाचन हो रहे हैं, हम लोगों ने ये अनुरोध किया है, कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के साथ, उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि बहुत समुचित संख्या में हमको और मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेज उपलब्ध कराए जाएँ। जो भी नियतन आएगा उसके लिए हम लोग अपने जनपद के विभिन्न स्थानों में, जिसमें ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके अवस्थान की हम लोग समुचित व्यवस्था कराएंगे और ये लगभग 2 या 3 दिन पहले आएंगे, तो एरिया डोमिनेशन के लिए इनके मार्चेस भी होंगे अपने अपने एरिया में। और इसके अलावा भी जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स सेक्टर जोन में और पुलिस ऑफिसर सेक्टर जोन में हैं वो भी इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराएंगे। हमारी जब पोलिंग पार्टीज मूव करेंगी उनके साथ पर्याप्त पुलिस बल जाएगा, वो जहाँ पर रात्रि का विश्राम करेंगी अपने मध्य स्थलों पर वहाँ भी उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था रहेगी। और हमारे ऑफिसर्स भी लगातार मूवमेंट में रहेंगे। इस चुनाव में एक विशेष बात यह है कि इसमें 100% मध्य स्थलों पर VVPAT का इस्तेमाल होने वाला है। VVPAT से वोटर्स को भिज्ञ करने के लिए, विशेष रूप से राजनीतिक दलों को भिज्ञ करने के लिए और हमारे जो निर्वाचन प्रक्रियाओं में लगे समस्त कर्मी हैं उनको भिज्ञ करने के लिए हम एक बहुत ही सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले हैं। हमारे पास भारत निर्वाचन आयोग की VVPAT की
ट्रेनिंग के विषय में एक वीडियो क्लिप भी है, उसको भी हम अपने इस पूरे संसदीय क्षेत्र में किन्हीं प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित कराएंगे। वीवीपैट की ट्रेनिंग और उसका डेमोंस्ट्रेशन देने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास वैन्स हों जिनको हम पूरे संसदीय क्षेत्र में भेजें और लोगों को इसका डेमोंस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का प्रयोग तो सन 2002 के चुनाव से हो रहा है इस प्रदेश में। वीवीपैट क्योंकि अभी नई इंट्रोड्यूस हुई है, तो इसके लिए जो भी जानकारियां हैं वो प्राप्त कराने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। हमारे पास जो चुनाव कराने के लिए कंट्रोल यूनिट्स हैं, बैलेट यूनिट्स हैं, वीवीपैट्स हैं, वो समुचित संख्या में उपलब्ध हैं। ये सारे के सारे उपकरण हमारे स्ट्रांग रूम्स में इस समय सुरक्षित रूप से रखे हुए हैं और इसमें भारत निर्वाचन आयोग का भी एक प्रोटोकॉल है और हमारे द्वारा भी निर्देश इसमें निर्गत किए गए हैं कि जब भी किसी भी कार्य से स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा तो राजनीतिक दलों को इसकी विधिवत सूचना दी जाएगी और उनकी उपस्थिति की अपेक्षा की जाएगी। और जब 23 तारीख के बाद हमारे कैंडिडेट्स निर्धारित हो जाएंगे तो कैंडिडेट्स को इसकी सूचना जब भी स्ट्रांग रूम खुलेगा और जब भी बंद होगा इसकी सूचना उनको अनिवार्य रूप से दी जाएगी और उनकी उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम खुलेगा और बंद होगा। जब भी ये स्ट्रांग रूम के खोलने बंद करने की कार्रवाई होगी इसकी 100% वीडियोग्राफी होगी और यह व्यवस्था जब तक निर्वाचन परिणाम की घोषणा नहीं हो जाती ये अनवरत रूप से ये व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। हम लोग अभी राजनीतिक दलों की बैठकें कर चुके हैं और उनसे हमने अनुरोध किया है कि वो अपने स्तर से, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की भी अपेक्षा है कि जो राजनीतिक दल हैं वो बूथ पर भी बूथ एजेंट्स बनाएं जिससे उस बूथ से आच्छादित वोटर्स को निर्वाचन की समस्त प्रक्रियाओं की जानकारी हो। इसके अलावा वोटर की सुविधा के लिए मतदान के दिन वोटर असिस्टेंस बूथ्स बनाए जाएंगे और वहां पर बीएलओज मौजूद रहेंगे और ये वोटर असिस्टेंस बूथ्स ऐसे पोलिंग सेंटर्स पे होंगे जहां पर अधिक संख्या में बूथ्स हों एक ही पोलिंग सेंटर पर। और इसमें व्यवस्था ये है कि इसमें हर इनके उस सेंटर पे जो वोटर होंगे उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अंग्रेजी के वोटरों की सूची होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी नाम का, अगर मालती देवी नाम की कोई महिला है और उसे ये पता नहीं है कि उस पर्टिकुलर मतदान केंद्र में उसका मतदेय स्थल कौन सा है, तो वो सीधा वोटर्स असिस्टेंस बूथ पे जाएगी, अपना नाम बताएगी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर से तुरंत उसका नाम देखकर वहाँ बैठे कर्मी उसको उसके पोलिंग बूथ की ओर डायरेक्ट कर देंगे। ये भी व्यवस्था की गई है कि जो हमारा अब पुनरीक्षण के बाद जो वोटर लिस्ट का जो हमारा पूरा रिकॉर्ड है वो हमारे द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध करा दिया गया है और मतदान के दिन जिस किसी भी व्यक्ति का मतदाता के रूप में उस मतदेय स्थल पर मतदाता सूची में नाम अंकित है वो वोट डाल सकता है। जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में नहीं है वो वोट नहीं डाल सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से पूरे संसदीय क्षेत्र में ये मैसेज जाना चाहिए कि वोट डालने के लिए मतदाता सूची जो पुनरीक्षित है और वही मतदाता सूची हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है और वही मतदाता सूची हमारे निर्वाचन कार्मिकों को मतदान के दिन उपलब्ध होगी। और क्योंकि जो कॉपी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है वही वो अपने एजेंट्स को भी देंगे, तो उसमें एक रूपता है, समानता है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी वोटर्स पूरे संसदीय क्षेत्र के ये निश्चित रूप से जान लें कि वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना ही अनिवार्यता आवश्यक है। उनसे ये भी अनुरोध करेंगे हम
और कालांतर में जब आपसे फिर से बात होगी मतदान से पहले, तब भी हम अपील करेंगे कि हमारे वोटर्स जो पूरे संसदीय क्षेत्र में हैं और उनकी संख्या 19,49,178 है, उन सभी से जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में हमारी अपील है कि वे सभी इस मतदान प्रक्रिया में भाग लें। मतदान की कार्यवाही से के दिन से एक सप्ताह पूर्व हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक वोटर के पास बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से वोटर स्लिप्स पहुंच जाए। इसके लिए हमारे सारे एआरओस अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, और यदि किसी कारणवश किसी वोटर को, क्योंकि संभावना ये भी रहती है, कई वोटर ऐसे होते हैं जो वोट डालने उसी दिन या एक रात्रि पहले पहुंचते हैं, तो ऐसी बची हुई वोटर स्लिप्स को लेकर बीएलओस बूथ के पास मौजूद रहेंगे, और यदि वोटर उनसे संपर्क करके वोटर स्लिप लेगा तो उसको वो मुहैया कराई जाएगी। वोटर स्लिप एक ऐसा व्यवस्था का क्रम है जिसके अंतर्गत वोटर की पहचान में आसानी रहती है, पर ऐसा नहीं है कि वोटर स्लिप नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते। ये एक सुविधा का क्रम है, और इसके लिए क्योंकि हमारा जो मतदान पार्टी का जो पोलिंग ऑफिसर नंबर एक होता है वो उसके पास ही मतदाता पहले पहुंचता है, और यदि उसके पास स्लिप होगी तो स्लिप देगा, स्लिप में उसका सभी उसका क्रमांक लिखा रहता है तो उससे उसकी पहचान में आसानी होती है। अगर वो वोटर स्लिप लेके किन्हीं कारणवश नहीं आ पाया है तो भी वो अपना, अगर उसके पास ईपिक है तो वो अपना ईपिक दिखा देगा, उसके नाम को ढूंढ लेगा पोलिंग ऑफिसर उस भाग संख्या की वोटर लिस्ट में, और वो वोट डालने के लिए अनुमन्य हो जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों ने अब कार्रवाई शुरू की है प्रवर्तन की, उसमें ये भी बताना है कि भारत निर्वाचन आयोग के का ये सुझाव है, उनके निर्देश हैं कि अगर कोई व्यक्ति ₹50,000 से अधिक की धनराशि अपने साथ लेकर ट्रैवल कर रहा है और उसका इंटरसेप्शन हमारी किसी टीम द्वारा किया जाता है तो उसे उस धनराशि के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। तो ये सुझाव है और सभी जनसामान्य के लिए कि वो अब निर्वाचन की अवधि में यदि कैश में कोई धनराशि जो ₹50,000 से अधिक की है उसको लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ रखें, अन्यथा वो धनराशि जब्त होगी और उसमें उसका पूरा एक प्रोसीजर लेट डाउन है, उसमें हमारा आयकर विभाग भी उसमें सम्मिलित है, उनको सूचना जाएगी और उस प्रोसीजर के तहत ही उसमें जांच होगी और जांच के परिणाम के अनुसार उस धनराशि के विषय में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ये भी ध्यान रखें सभी ट्रेवलर्स कि वो जिस गाड़ी में भी चलें वो मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधानों के अनुरूप हो, उसमें कोई अवांछित सामग्री ना हो। विशेष रूप से निर्वाचन के दिनों में मादक पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर होता है, इसका विशेष ध्यान रखें कि उनके वाहन का उपयोग इन कारणों से ना होने पाए, क्योंकि जो हमारी टीम्स हैं वो पूरे ज़िले में बहुत बड़ी संख्या में हैं। हमारी वीडियो निगरानी टीम्स 15 हैं, उसको अवलोकन करने के लिए 5 टीम्स और हैं, स्टैटिक सर्विलांस टीम हमारी 17 हैं, उड़न दस्ते हमारे 15 हैं, और जो एक्सपेंडिचर के लेखा की टीम है वो 5 हैं। पर्याप्त संख्या में टीम्स हैं जिनमें अनेक मेंबर्स हैं, तो ये बहुत ही सघन रूप से गहन रूप से सभी जगहों पर चेकिंग्स करेंगे। हमको ये भी बताना है कि जो हमारे सार्वजनिक स्थल कोई बैंक्वेट हॉल हैं, कोई मैरिज हॉल हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, उनका बगैर परमिशन के निर्वाचन की प्रक्रियाओं के लिए उपयोग करना प्रतिबंधित है, और इसकी सूची हमारे पास है और वो सूची हमने अपनी टीम्स को दे दी है। तो कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी प्रत्याशी यदि इस प्रकार का कोई आयोजन करना चाहता है
तो वो सिंगल विंडो सिस्टम के काउंटर पर अपनी एप्लीकेशन यथा समय देगा, क्योंकि 48 घंटे का प्राविधान है तो कम से कम दो दिन पहले देना चाहिए और प्राप्त अनुमति के अनुसार ही वो उस आयोजन को संपन्न करेगा। इसके अलावा प्रचार के वाहनों के लिए, जब प्रचार शुरू हो तो प्रचार के वाहनों के लिए भी इसी सिंगल विंडो सिस्टम की विंडो पर अनुमति के लिए अप्लाई किया जाएगा और उस प्राप्त अनुमति को जो परमिट मिलेगा उसको परमिट प्राप्तकर्ता जिस गाड़ी के लिए अनुमति मिली है उसके विंड स्क्रीन पे प्रमुखता से उसको प्रदर्शित करेगा। उसमें ये उल्लेख रहेगा कि उस वाहन में कितने व्यक्ति बैठेंगे, उस वाहन में क्या क्या नहीं किया जाएगा और ये बाध्यता रहेगी कि वो वाहन मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधानों के अनुसार रोड पे चलने के लिए उपयुक्त हो। इसी प्रकार से जो पार्टी पदाधिकारी हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो उनके इलेक्शन एजेंट्स हैं, उनको भी इस प्रकार वाहनों के प्रयोग के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी। निर्वाचन आयोग की ये बाध्यता है कि पूरे प्रचार के समय ये जो अनुमति प्राप्त वाहन भी होंगे ये 10 से अधिक के काफिले में या कॉन्वॉय में नहीं चलेंगे और इस निर्देश की भारत निर्वाचन आयोग के सभी राजनीतिक दलों को और सभी प्रत्याशियों को पालना करनी होगी, क्योंकि आज से नॉमिनेशन का काम शुरू हो गया है और आज 13 तारीख है, ये 20 तारीख तक चलेगा, 20 तारीख अंतिम दिन है नॉमिनेशंस का। इस बीच में जो सार्वजनिक अवकाश होंगे उस दिन नॉमिनेशंस नहीं लिए जाएंगे और बाकी कार्य दिवस में पूर्वाह्न में 11 बजे से लेकर और अपराह्न के 3 बजे तक नॉमिनेशंस लिए जाएंगे। इस समय से पहले और इस समय के बाद, यानी 11 से पहले और 3 बजे के बाद आरओ व एआरओ को कोई अधिकार नहीं है निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कि वो कोई नॉमिनेशन रिसीव कर सके। इसकी जो मुख्य जरूरत है इस समय सीमा की, वो नामांकन के अंतिम दिन होती है और 3 बजे के बाद कोई भी नामांकन स्वीकार नहीं होगा, केवल उन्हीं व्यक्तियों का होगा कि जो 3 बजे से पहले नामांकन देने के लिए आरओ के कक्ष में उपस्थित हो जाते हैं। ये व्यवस्था बहुत आवश्यक है। अगले दिन 21 तारीख को नामांकन पत्रों की समीक्षा 11 बजे शुरू होगी, उसमें सभी कैंडिडेट्स को उपस्थित रहने के लिए कहा जाता है। अगर वो उपस्थित रहेंगे तो उनके सामने होगी, उनके इलेक्शन एजेंट रहेंगे या उनका कोई प्रतिनिधि रहेगा तो उनके सामने होगी, अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तो उनकी अनुपस्थिति में होगी। जो विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर है, जिसमें विड्रॉवल करते हैं कैंडिडेट्स अपना, वो स्क्रूटनी के बाद अपना नाम कभी भी वापस ले सकते हैं और इसका समय 23 तारीख को 3 बजे तक है। जो नाम एक बार वापस ले लिया गया वो इररिवोकेबल होता है, वो दोबारा से नाम नहीं दिया जा सकता और उसके बाद हम तो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स करते हैं। ये समझ जानकारियां मुझे आपको देनी थी जो निर्वाचन के पूरी प्रक्रियाओं का जो पूरा फॉर्मेट है उससे मैंने आपको अवगत करा दिया। सर बोर्ड परीक्षा भी चल रहा है, बूथ बनना है स्कूलों में, उस समय बोर्ड परीक्षा भी रहेगी, 12 तक है परीक्षा, तो उसके लिए क्या? उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा क्योंकि हमारी जो डेट लिस्ट है बोर्ड परीक्षाओं की, हमारे 6 मार्च के बाद से कोई बड़े एग्जाम्स नहीं है और जहाँ एग्जाम्स हैं वहाँ पर सेंटर नहीं है, तो इसमें आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, उससे कोई व्यवधान नहीं है। आपको बताया था जैसे आज सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स अपने अपने एरिया में जा रहे हैं और ये उनका प्रथम भ्रमण कार्यक्रम है, वो आके अपनी रिपोर्ट्स देंगे और उसके बाद उस पर मंथन होगा और उसके बाद दोबारा से वो फिर जाएंगे, उसके बाद जिले के तमाम हमारे थाना प्रभारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी और सारे पुलिस ऑफिसर्स और सारे मजिस्ट्रेट्स एक साथ बैठ के इसका आकलन करेंगे और हम लोग यथाशीघ्र इसका संवेदनशीलता का आकलन सुनिश्चित कर लेंगे और तदनुसार आप लोगों को भी अवगत कराया जाएगा। और आपको ये भी बताना है कि नॉमिनेशन का लास्ट डे क्योंकि 20 है, तो उस दिन या उससे पहले हमारे पर्यवेक्षक
भी जनपद में आ जाएंगे, हमारे सारे के सारे पर्यवेक्षक, उनकी जो भी जानकारी हमको प्राप्त होगी वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे, जिससे कि उसका व्यापक प्रचार और प्रसार हो। ये सारे के सारे पर्यवेक्षक सर्किट हाउस में ही ठहरेंगे और जन सामान के लिए हम लोग उसकी विज्ञप्ति भी निकालेंगे। सर, एक कमेटी सृजित है जिसकी एक पहली बैठक हम लोग कल कर चुके हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार प्रसार, प्रिंट मीडिया में प्रचार प्रसार, तकरीबन 6,000 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएससी कर्मी इसमें पूरी प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। इसके अलावा 57 के करीब जो हमारी सीपीएमएफ की कंपनियां हैं उनको भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। अलग अलग स्थानों के अलग अलग मानक हैं जो गोपनीय सुरक्षा व्यवस्था है उसको इसमें अपनाया गया। कुछ अवांछित तत्व होते हैं सर? जी, बाहर से पॉजिटिव आएंगे 57 कंपनी सीपीएमएफ की हमारी डिमांड है। कुछ संवेदनशील व्यक्ति अवांछित तत्व होते हैं उनके खिलाफ? जी बिल्कुल है, क्रिटिकल बूथ्स अलग हैं, वल्नरेबल इलाके हैं उनमें भी, और उसके अलावा जो हमारी संवेदनशीलता पहले से रही है, कोई घटना हुई है, सबको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राकृतिक भाषा विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का मंगलवार को समापन हो गया। विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जनार्दन पांडे, इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर छाया रानी, प्रोफेसर कमलेश शुक्ल, प्रोफेसर रविनाथ मिश्र, प्रोफेसर विश्वनाथ स्वाई, प्रमोद भारतीय, सरोज कौशिक, विमला राय सहित देश विदेश से आए कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समापन कार्यक्रम 2 सत्र में आयोजित की गई है। प्रथम सत्र में कवि संगोष्ठी आयोजित हुई जिसमें आचार्यों ने अपनी कविताओं का पाठ किया। वहीं संगोष्ठी के अंतिम और दूसरे सत्र में विविध राज्यों से आए वक्ताओं ने संस्कृत वाड्यम में बिंब विधान विषय पर अपने विचारों को व्यक्त किया। सबलतमा अंतिम बंध है, जननी मम सर्जना साधर्म्या सच्चिदानंद रूपिणी। ये विधाता ने सर्जना या तो अपने हाथ में रखी है, या फिर यदि लोक में संसार में उसने सर्जना का अधिकार के लिए चयन किया है तो जननी का ही चयन किया, उसके अतिरिक्त सर्जना का अधिकार। तो जननी मम सर्जना साधर्म्या सच्चिदानंद रूपिणी संतति परंपरया सत, संतति परंपरया सत मातृत्वं चित यतो हि मोदप्रदा प्रमुदिता स्वयं अतः आनंद रूपिणी, यतो हि मोदप्रदा प्रमुदिता स्वयं अतः आनंद रूपिणी स्थूलस्य क्षतिः न तु सारस्य, स्थूलस्य क्षतिः न तु सारस्य। धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, पाठक साहब आपको नजर कर रहा हूं। पहला शेर, कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है, कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है, दिल में पराया दर्द बसाना, दिल में पराया दर्द बसाना मेरी आदत है, कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है, मेरा गला अगर कट जाए तो मुझ पे क्या इल्जाम, मेरा गला अगर कट जाए तो मुझ पे क्या इल्जाम। छाया जी आपको नजर कर रहा हूं, कट जाए तो मुझ पे क्या इल्जाम, हर कातिल को गले लगाना, हर कातिल को गले लगाना मेरी आदत
मोहब्बत है, कांटों से दामन उलझाना मेरी आदत है। और गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए जिला का प्रशासनिक महकमा कई प्रयास कर रहा है। इसी मतदाता जागरूकता के लिए लोगों में अधिक से अधिक मतदान कराने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन गौतम बुद्ध प्रवेश द्वार से किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजीव रौतेला, सिटी मजिस्ट्रेट मनीष श्रीवास्तव सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्कूली बच्चों ने हाथों को पकड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण किया, जिसमें स्लोगन के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे थे कि आने वाले उप लोकसभा चुनाव में मतदाता घर पर ना बैठे हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मतदान अवश्य करें। डीएम ने बच्चों के प्रयास का निरीक्षण पैदल यात्रा के माध्यम से किया, जिसमें बच्चे काफ़ी उत्साहित दिखे। इसके बाद जिलाधिकारी ने बच्चों के पास जाकर उन्होंने कहा कि वो अपने माता पिता और अन्य रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी आने वाले चुनाव में मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित करें। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया, माइक तो दे दी। We'll be right back.
Elders in the family who are voters on 11th of March next time, maybe after a week or 4-5 days, isme there's for the discussion bahut kam hai, so excuse me suni yahan se leke jetty tak aur ek taraf bus kar kar ek taraf bus sir aa jaao black card chahiye black card jinki is in agreement बोला ना देखिए हमारे यहाँ इस पूरी प्रक्रिया में इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 19.5 लाख वोटर हैं और हम जिला निर्वाचन का जो तंत्र है वो ये चाहता है कि इसमें मैक्सिमम वोटिंग हो, तो इसके लिए वोटर्स को जागरूक करने के लिए और उनको इस बात से अवगत कराने के लिए कि 11 मार्च को उनको निश्चित रूप से अपने घरों से निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। ये जो स्वीप एक्टिविटीज़ हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उसके अंतर्गत ये आज हम लोगों ने ये जो हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं इनकी ह्यूमन चेन बनाई थी और ये आप देख ही रहे हैं, सब लोग प्लेकार्ड्स लेके आए हुए हैं, सब लोग इस बारे में हमें उससे बात भी कर रहे हैं, सब जानते भी हैं यहाँ क्यों आए हैं और अपने अपने घरों में जाकर, ये लोग वोटर्स नहीं हैं अभी, छोटे हैं, लेकिन अपने के घर में जितने भी वोटर्स होंगे सबको ये लोग एजुकेट भी करेंगे और उनको प्रोत्साहित भी करेंगे कि 11 मार्च को वोटिंग करें। आज से सर नामांकन की प्रक्रिया भी कहें तो पर्चा दाखिला शुरू हो गया है, कब तक चलेगा और कब क्या? देखिए नोटिफिकेशन एज रिटर्निंग ऑफिसर हमने आज कर दिया है और ये 13th आज है, 20th तक नॉमिनेशन होंगे और 21st को स्क्रूटनी होगा, 23rd को विड्रॉल एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। तो ये पहला चरण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद प्रचार चलेगा और प्रचार चलेगा 9th मार्च की शाम के 5 बजे। सर पिछले नगर निगम में गोरखपुर का प्रत्याशित रूप से कम रहा है चुनाव का, तो इसके अलावा और आप क्या करते हैं जागरूकता के लिए? इसके अलावा बहुत एक्टिविटीज़ हैं, एक तो हमने ये कहा है कि जितने भी हमारे वोटर्स वाले जो हमारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर 18+ हैं वहाँ सब जगह हमारे जो ARO's हैं जो हमारे SDM's हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के, वो वहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं। हम अब एक LED के माध्यम से सिटी के मुख्य स्थानों पर हम इसकी कार्रवाई करने जा रहे हैं और जो इस चुनाव में VVPAT का उपयोग होने वाला है वो पहली बार हो रहा है, तो VVPAT के लिए एजुकेट करने के लिए जगह जगह हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी द्वारा आयोजित 14 दिवसीय विविध प्रतियोगिता के तहत मंगलवार को उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए निजीकरण आवश्यक है विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन डेलीगेसी हॉल में किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल में गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर संजीत गुप्ता, अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर गौर हरि बेहरा, शिक्षा शास्त्र विभाग के प्रोफेसर उदय सिंह के अतिरिक्त डेलीगेसी के उपाध्यक्ष डॉ विमलेश कुमार मिश्र, सचिव डॉ आलोक कुमार गोयल, प्रोफेसर सुनीता मुमर, डॉक्टर केशव सिंह सहित कई प्रतिभागी छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए निजीकरण आवश्यक है विषय के पक्ष और विपक्ष पहलू पर अपने विचार रखे। ऐसा कोई संविधान संशोधन पारित नहीं हुआ जिससे कि 6 से 14 वर्ष के अलावा 6 से 21 वर्ष करना चाहिए, जैसा कि हमारे अभी एक रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें 2017-18 के अनुसार माध्यमिक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत छात्राओं की संख्या तो बढ़ी लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की संख्या बिल्कुल ही भी नहीं बढ़ी। ये बहुत उनको निजी संस्थानों में ये एक नुकसान हो सकता है अगर हम निजीकरण करते हैं तो। पांचवा एक कारण है कि आर्थिक क्षेत्र में भी इसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में जैसे कि हम निजीकरण संस्थानों में अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनके ऊपर दबाव होगा, नहीं अगर उनका प्लेसमेंट नहीं होगा तो वो बेरोजगार रूप से घूमेंगे और आर्थिक रूप से उनके ऊपर बहुत सारे दबाव आ सकते हैं। और एक उचित या अनुचित जो भी उनका कार्य है उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। शिक्षा 3 प्रकार की होती है, पहली प्राइमरी, दूसरी हायर और तीसरा उच्च शिक्षा। प्राइमरी एजुकेशन जो व्यक्ति को आधार प्रदान करता है, उच्च हायर क्या कहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा जो व्यक्ति की जीवन शैली को बताता है और ये उच्च माध्यमिक शिक्षा भविष्य की दिशा को तय करता है। ये हमारे जैसे उच्च शिक्षा में इतना गिरावट क्यों आई है तो वो 4 कारक बताएगा। पहला कारक ये कहेगा कि इस उच्च शिक्षा में गिरावट के कारण हमारे शिक्षक हैं
शिक्षक अपने शिक्षा शिक्षण कार्य के अनवरत कार्य करते हैं। दूसरा बिंदु, अगर अगर ये कहा गया है कि नहीं ये नहीं कारण है, तो दूसरा कारण कौन है? विद्यार्थी कारण है। क्यों विद्यार्थी कारण है? क्योंकि इस समय की विद्यार्थी और पहले की विद्यार्थी में यह अंतर है। इस समय की विद्यार्थी कम परिश्रम में ज्यादा लाभ ज्यादा गेन करना चाहते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि वो कक्षा लेने से बेहतर वो गाय माना। हमारे संविधान में बात कही गई है, कभी भी हम शिक्षा से मुनाफा नहीं कमा सकते, और अगर हम मुनाफा कमाते हैं तो हम उसका व्यवसाय करते हैं। मैं उसी दिन कहूंगा हर कॉलेजों का खुले रूप से निजीकरण कर दो, लेकिन पहले खुलकर आकर बताओ हम एक छात्र पर कितना मुनाफा कमा रहे हैं। दोस्तों, आज का एक टॉपिक ये है कि निजीकरण आखिर जरूरी है। मैं ये कहता हूँ निजीकरण की आवश्यकता महसूस क्यों हुई? आजादी के इतने वर्ष बीत चुके हैं, क्या हमने शिक्षा के विकास पर कभी ध्यान ही नहीं दिया? क्या हम आजादी के इतने वर्षों बाद रोटी कपड़ा और मकान पर उलझे रहे? हमने कभी यह नहीं देखा कि हमारी शिक्षा स्तर क्या से क्या हो गई है? शिक्षा के निजीकरण की जरूरत हमें महसूस क्यों हो रही है? शिक्षा के निजीकरण की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आज हमारे जो सरकारी संस्थान है उनकी हालत बस से बदतर हो गई है। वहां पे मानवाधिकारों का अभाव है, वहां पर यह है कि अब राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगे हैं। इन तीनों में मुझे सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही लगता है कि शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप। अगर शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, उनकी हर दिन चुनाव में पल्स में भर्तियां होंगी और एक निरंतरता टूटेगी, तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? कभी जीवन तुरंत जाए जहां चुनाव है वहां पर प्रचार करें और शिक्षा की निरंतरता को नष्ट करें और हमारे भविष्य के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर सके। दोस्तों, शिक्षा में निजीकरण से अन्य क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या हानियां होंगी, ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। शिक्षा में निजीकरण से क्या होगा कि जो निजी कंपनियां आती हैं उनका एक प्रभुत्व स्थापित होगा, वो बाह्य रूप के आभूषण से हमें अपनी ओर खींचेंगे, हमें अपनी ओर बुलाएंगे, लेकिन मत भूलिए ये 50,000-60,000 के प्रतिभावान बालक को वो 5,000-6,000 में खरीद कर इस देश के भविष्य को बेच देंगे। दोस्तों, मंगलवार को देश भर में महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना की गई। गोरखपुर महानगर में भी महाशिवरात्रि को लेकर ज्यादातर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। हांसूपुर के मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में भी आस्था का सैलाब देखने को मिला। वहाँ भी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद शिवलिंग पर दूध चढ़ाया। आपको बताते चले कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। ये भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन से जुड़ी एक और मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था, जो समुद्र मंथन के दौरान बाहर आया था। इस विशेष दिन पर सही समय और सही विधि से पूजा कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। Hey, Bolle, 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 Bolle
हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्ला अलैह उर्फ बाले मियाँ के लग्न की रस्म 4 मार्च रविवार को बाले मियाँ दरगाह पर अदा की जाएगी। ये जानकारी सैयद सालार मसूद गाजी संस्थान के मतवली मोहम्मद इस्लाम हाशमी ने दी। उन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाले मियाँ के ऐतिहासिक मेले की परम्परा सदियों से चली आ रही है, जहाँ पर धर्म संप्रदाय के लोग पूरी आस्था और अकीदत के साथ शिरकत करते हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। मोहम्मद इस्लाम हाशमी ने बताया। राजी रहमतुल्ला अलैह जो कौमी एकजाती के अलमदार नाम है, और 1935 ईस्वी से सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्ला अलैह के साल में जो त्यौहार मनाया जाता है, ये जो एक माह तक जेठ के महीने में मेला चलता है, उसके लग्न की रस्म और मेले की घोषणा जो है 4 मार्च को अदा की जाएगी।
जो लगन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। यह मेरा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जहां लाखों की संख्या में सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मिलकर मेले को संपन्न कराते हैं और एकता का जो है हिंदुस्तान के सरजमीन में सारी दुनिया तक ये पैगाम देते रहेंगे और देते चले आ रहे हैं। इसमें सभी संप्रदाय के लोग एकत्रित होते हैं और कार्यक्रम को संपन्न कराने में सभी लोगों की भागीदारी होती है। और यह मेला पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक विराट मेला है, जिसमें शिरकत के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाता है। इस मेले में लगन के दिन लगभग 10,000 लोग एकत्रित होंगे, जिसमें सभी कौम के लोग होंगे, सभी धर्म के लोग होंगे, और इसको एकत्रित जो है एकत्रित करके लगन के रस्म की अदायगी मिलजुल करके कराएंगे और अपनी एकता का संकेत देंगे। और फिर ये लगन के बाद मेले का तैयारी शुरू हो जाएगी, जो एक माह तक मेला चलेगा। 4 मई से मेला शुरू हो करके 4 जून तक मेला चलेगा और मुख्य मेला 6 मई को मनाया जाएगा, जिसकी स्थानीय अवकाश 7 मई को घोषित होना है। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने बैरिकेडिंग स्थल का निरीक्षण करके व्यवस्था का जायजा लिया। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन कुल 13 लोगों ने पर्चा खरीदा। मंगलवार को पर्चा खरीदने वालों ने सूर्यभान सिंह, अरुण कुमार, नफीस अख्तर, मालती देवी, पूनम विश्वकर्मा, दिवेश कुमार, नेल्सन, जयप्रकाश गुप्ता, जगदीश कुमार, अच्छे लाल, रामनाथ निषाद, गिरीश नारायण, राधे श्याम सहरा शामिल हैं, लेकिन कोई नामांकन नहीं हुआ। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने बताया। क्या हाल है? नंबर है बैरिकेडिंग नंबर भी आता है। मेन तो चेकिंग सीओ साहब होगा। आपके प्रभारी, आपके प्रभारी उमा शंकर उपाध्याय बात। अधिकारी महोदय के न्यायालय में नामांकन की प्रक्रिया है, उसको दृष्टिगत रखते हुए कलेक्ट्रेट की बैरिकेडिंग की गई है। इसमें जो है गेट नंबर 1 से जो नामांकन पत्र लेने वाले हैं उनको अलाउ किया गया है और मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। एक डिप्टी कलेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में इस परिसर को देख रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट पूरे नगर परिसर नगर क्षेत्र देखेंगे, एडीएम सिटी साहब पूरा इसका ओवरऑल इंचार्ज। ये व्यवस्था रखा गया, इसके तहत हर गेट पे एक मजिस्ट्रेट रखा गया है। ये व्यवस्था कब तक रहेगा? ये आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है और 20 तक नामांकन पत्र दाखिल करने के हैं। इसके बाद 21 को स्क्रूटनी है, 23 को विड्रॉल और पत्रिका आवंटन है। ये तब तक जो है पूरी बैरिकेडिंग रहेगी और मजिस्ट्रेटों की और पुलिस की व्यवस्था रहेगी। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। छिहत्तर सालों से परंपरा विश्वास की।
दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज द्वारा 7 दिवसीय योग शिविर का उद्घाटन आज कॉलेज सभागार में किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ योग केंद्र द्वारा समसामयिक परिवेश में योग एवं प्राणायाम की उपदेयता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर द्वारिका नायक, विशिष्ट अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के योग विभाग के योगाचार्य राजशेखर, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, संयोजक अवधेश शुक्ला, डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संगोष्ठी के दौरान उपस्थित वक्ताओं ने संबंधित विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऋषि काल से चली आ रही योग को अपनाकर इंसान रोग मुक्त और खुशहाल जीवन यापन कर सकता है। इस अवसर पर अतिथियों ने 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की परेड में पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करने वाले दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के छात्र अभिषेक प्रताप सिंह को 11,000 रुपए का चेक और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। तो उस जो अष्टांग योग है, चाहे बाबा गोरखनाथ जी जिसके पढ़ेता है हठ योग, हठ योग का मतलब लोग कई लोग आजकल कहते हैं कोनो जबरदस्ती जो काम किया जाए वो हठ योग होता है, बड़ा गलत धारणा है योग के प्रति। गोरख धंधा, लोग कहते हैं कि गोरख का कोई धंधा है, जबकि जो आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, सत्कर्म, वही धंधा, मतलब उसी को हम लोग कहते हैं कि जिससे हम अपनी साधना को बढ़ा के, कुंडली साधना को जगा करके पूरा मोच की अवस्था में जिया जाए। जीते जी ही मोच मिलता है, मरने के बाद किसने देखा है। ईसा मसीह का भी 12 साल का इतिहास नहीं मिलता है, उन्होंने नाथ संप्रदाय के हठ योगी से उन्होंने योग सीखा था और वो अपनी प्राण को ब्रह्मरंध में स्थापित कर लिया, जिसके नाते वो बड़ी मतलब उनको क्रॉस पे लटकाए जाने के बाद भी वो जीवित रहे। तो योग की साधना, आप कहते हैं ना कि अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा मृतंगमय, तो योग आपको अस्वस्थ से सत्य की ओर ले जाता है, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाता है। और आप जानते हैं कि योग के बारे में आजकल बहुत ज्यादा टीवी में, मीडिया में, अखबारों में छाया रहता है, रोज कोई ना कोई योगी, आपके गोरखपुर में भी बड़े अच्छे अच्छे योगी आते रहते हैं। योग कहते हैं कि एक जीवन जीने की कला है। मैं प्राणायाम पे जरा फोकस करना चाहूंगा कि पूरे योग की आत्मा अगर बसती है तो प्राणायाम है। प्राण वायु के बगैर कोई जी नहीं सकता। बिना खाए आप 15 दिन जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी पिए 1 हफ्ता रह सकते हैं, लेकिन सांस के बगैर 1 मिनट भी जीना बड़ा मुश्किल सा लगता है। और 24 घंटे में आपको 21,600 बार आदमी सांस लेता छोड़ता है। और जो प्रकृति ने आपके आपको दे दिया है, सांस गिन करके 50 लाख करीब सांसे खींच जाते हैं, छोड़ जाते हैं। आप देखिए कि एक मनुष्य 100 साल जीता है क्योंकि 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है। एक कछुआ 1 मिनट में 7 बार सांस लेता है, 250 साल तक जीता है। और एक कुत्ता 35 बार लेता है, तो कुत्ते 35 साल ही जीते। शेर, कुत्ता और भी जो जितना सांस को बचा लेगा वही दीर्घायु होगा, वही योगी होगा। आपने देखा होगा कभी अभी अभी आप बैठे हैं, आपको गुस्सा लग रहा है तो आपकी सांस की गति तेज हो जाएगी। अगर सांस को समझाना आपको आ गया, सांस पे नियंत्रण करना आपको आ गया, तब आप प्राण धन आयाम, तभी आयाम करना सीखेंगे। प्राण को अगर आयाम करना सीखेंगे तभी आप दीर्घायु होंगे। उस पंछी की तरह है जिसके पैर में धागा बांध दीजिए, जहां आप चाहेंगे जितना चाहेंगे उतना दूर उड़ेगा, जब चाहे खींच लेंगे। जो प्राण के सहारे ही योगी मन को बस में कर सकता है, जब प्राण ही जब यहां तक ही सांस पहुंच रहा है। आप देखेंगे जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो बड़ा फ्रेश महसूस करते हैं, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन बहुत होता है, 20% ऑक्सीजन सुबह होता है और शाम तक आते आते 5% भी नहीं रह जाता है। और आपकी क्षमता भी कम है, प्राणवायु को लेने की क्षमता आपकी कहाँ है। इतना बड़ा फेफड़ा है, इतने सारे इसमें छिद्र है और उसमें पावर आप भर सकते हैं। सुबह सुबह कुछ मत करिए, किसी पार्क में जाइए, केवल लंबी गहरी सांस ले लीजिए, आपको मैं बता दूं कि आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपका तनाव दूर हो जाएगा, आप कभी थकेंगे नहीं। दुनिया में जितने भी ताकत की दवाएं, चाहे सलमान खान प्रचार कर रहे हो, चाहे कोई भी डिवाइटर का प्रचार आता है सलमान खान का, वो ताकत की दवा नहीं है, वो ऑक्सीजन बढ़ाने की दवा। आप पार्क में जाते हैं ऑक्सीजन बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन आप में ले सके लेना चाहिए।
बढ़ा भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं छोड़ पाते, कभी ध्यान दीजिए, सांस लेते हैं उतना ही टाइम में छोड़ते नहीं, इसीलिए हमें प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है। आज हम देखते हैं कि हमारे, हम तो कई देशों में यात्राएं की, मैंने देखा कि वहां के लोग भागम भाग में तनाव में जी रहे हैं और अक्सर लोग सुसाइड करते हैं वहां, जीवन लीवर खराब हुआ लीवर बदलवा लिया, किडनी खराब हुआ किडनी बदलवा लिया, सब तो बदलवा लेंगे, लेकिन डिप्रेशन का इलाज क्या है? आजकल जिनके पास बहुत है वो भी डिप्रेस में है, जिनके पास कुछ नहीं वो भी डिप्रेशन में। तो प्राणायाम से आपका डिप्रेशन दूर होता है, प्राणायाम से आपका विल पावर कई गुना। आप कहते हैं कि मैं पढ़ करके ये बनूंगा, जब आप ये सोच लेंगे मैं एकदम बन के रहूंगा तभी आप बन पाएंगे, सोच में जरा सा नकारात्मकता आ गया तो आप कभी कुछ बनना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। तो ये प्राणायाम से आपके अंदर आएगा कि आपकी आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा हमेशा। तो ये जो साप्ताहिक शिविर लग रहा है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि शिविर में रेगुलर आता है। मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। गोरखपुर 11 मार्च को होने वाले गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने हस्ताक्षर करके किया। उसके बाद मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभु नाथ, एसीसीएम दिनेश सहित कई अन्य अधिकारी व गणमान्य लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि लोकसभा के चुनाव में लोग अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, उसके लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है, जिलाधिकारी ने बताया। उल्टा हो गया सर, सर 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 यहाँ आके सर यहाँ से करेंगे प्लीज। हाँ हाँ मोबाइल पीछे करो भाई, नाटे हो जाएंगे सर, थोड़ा इधर देख के भी चलना चाहिए। संजय भैया मोबाइल, अरे थोड़ा मोबाइल अभी नहीं पता, ठीक है थैंक यू, थैंक यू सर, मोबाइल लिया और हम सर वही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक निरीक्षण अभी निरीक्षण भी अभी नहीं लाया क्या इसका? देखिए हम लोग ये जो हमारा मतदान है 11 मार्च को इस उप निर्वाचन में, उसमें जो पूरा जिला निर्वाचन का जो तंत्र है वो ये चाहता है कि हमारे जो वोटर्स हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और उन्हीं को प्रेरित करने के लिए ये जो स्वीप की एक्टिविटीज़ हैं उसका एक पार्ट ये है कि यहाँ पर जो भी कलेक्ट्रेट में लोग आएंगे वो अपना, इसमें लिखा आई विल वोट, तो मैं वोट करूंगा उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, तो ये इस बात से प्रेरित होंगे कि जिस दिन मतदान का दिन आएगा उस दिन जाके अपना वोट डालेंगे। मंगलवार को खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में जहां पुरुषों को सदरी और खादी कपड़े पसंद आ रहे हैं, वहां महिलाएं शाल और गुजराती परिधान पसंद आ रहे हैं। इन महिलाओं में खरीदारी करने आए ग्राहक रत्नेश्वर प्रताप सिंह, मल्लू प्रसाद, वीनू मिश्रा, विजय कुमार, लक्ष्मी प्रसाद, मातेश्वरी दुबे ने गोरखपुर न्यूज से कहा। वाइट में क्या है? लफा भी है नहीं उसका।
मुझे देखना है इसका रुझान, एक तो स्वदेशी का भी बढ़ावा मिलता है और दूसरा जो आदि जो हमसे जुड़ी हुई है, हमारे आज़ादी से भी जुड़ी हुई है, इसमें एक योगदान होगा हमारे एक नागरिक होने के नाते। मतलब वो रहता है गर्मियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, डॉक्टर्स भी एडवाइज करते हैं कि कॉटन पहनिए जो चर्म रोग वगैरह होते हैं। और कल मैं आया था तो ये लिया था सदरी, दो सदरी में लिया था और आज उसको पैंट और शर्ट लेना है। जहाँ तक इसकी विशेषता है तो विशेषता मुख्य रूप से यह है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, इसके पहनने से खजली वगैरह नहीं होती है, कोई चर्म रोग नहीं होता है, आरामदायक होता है। ये लोग कहते हैं कि इसको गर्मी में, मैं कहता हूँ इसको सारे ये सो लेमन 650 का, ज़्यादा दाम नहीं है, ज़्यादा दाम मिला है क्या है? ये पेवर है। यहाँ पे ये लोग आए हैं उत्तराखंड से, तो इनका प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा है और ठीक बात है, ये हमारे मतलब देश के लिए, मेरा मतलब गांधी जी से जुड़ा हुआ है खादी, तो आम आदमी को इससे ज़रूर जुड़ना चाहिए और इन लोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, ज़रूर यहाँ मतलब ख़रीदारी वगैरह करनी ही चाहिए। और लोग आ भी रहे हैं लेने वाले, अच्छा है, जैकेट वगैरह काफ़ी अच्छे रखे हुए हैं इन लोगों ने। क्या लिया था? अभी तो मैं देख रही थी, अभी जैकेट ही देख रही थी जेंट्स अपने हस्बैंड के लिए, तो फॉर्म का उसको भेजा खुला है कलर नाइस है, तुम निकाल देंगे कलर, आपका 900 रुपये पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, पर अच्छा होता है साउथ का। क्या लिया? गद्दा लिए हैं, शर्ट बनाना है। अच्छा, ये प्रदर्शनी हमको अच्छी लगी, इससे हमने कालीन लिया। कितने का पड़ेगा? कितने का? 2500 का लिया हमने, 5x7 का जो है। इसका शाइनिंग कभी नहीं जाएगा, बॉबलिन वगैरह नहीं आएगा। भागलपुर का प्रोडक्ट है, भागलपुर में ही बनता है। और वहाँ चले जाइए आप, ये चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी। ये पूरा दीवान सेट आएगा, अलग से भूषण भी आपको मिल जाएगा। दिवा है प्रचार प्रसार के लिए गोरखपुर का, और बहुत अच्छा ही प्रदर्शन लगा हुआ है, इससे सबको जानकारी भी हो रही है, जिसका खादी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा आया। और दोनों तो मैं आपको अपर जिला मजिस्ट्रेट रजनीश चंद्र ने लोकसभा उप निर्वाचन एवं हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा होली मोहम्मद
हजरत अली का जन्मदिन, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर मंडे एवं महर्षि कश्यप महाराज गृह जयंती के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए महानगरीय परिसीमा क्षेत्र से संबंधित थाना क्षेत्रों में 12 अप्रैल तक धारा 144 लागू किया गया है। इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। मंगलवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड में चल रहे तीसरी अखिल भारतीय लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी का वर्षा से बाधित तीसरा मैच 16-16 ओवर का लक्ष्य क्रिकेट स्पोर्ट्स एकेडमी और हरियाणा के बीच हुआ। हरियाणा के कप्तान सुभाष कुमार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हरियाणा की टीम ने 16 ओवर में 5 विकेट खोकर 115 रन बनाया। जीत के लिए 116 रन का पीछा करने उतरी मेजबान टीम 14वें ओवर में ही प्रियम गर्ग के शानदार 62 रन की बदौलत 8 विकेट से मैच जीत लिया। इस मैच जिताऊ पारी के कारण प्रियम गर्ग को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। Heads is called. Heads. Heads. Batting at the ball. 2-5 balls bhi payenge. Theek hai. 10 minute hai. Ye hata. जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। सत्यम शिवम सुंदरम यानी शिव ही सत्य है, शिव सुंदर है, सूत्र वाक्य को चरितार्थ करने के लिए पूरे भारत में मनाया गया महाशिवरात्रि का महापर्व। गोरखपुर संसदीय उपचुनाव के लिए प्रशासन तैयार, जिलाधिकारी तथा एसएसपी ने कार्यक्रमों की दी जानकारी। कहा 2041 बूथों पर 19,49,178 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। कहा सुरक्षा के व्यापक हैं इंतजाम। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। संगोष्ठी में कई राज्यों से आए वक्ताओं ने अपने काव्यों का किया पाठ। लोकसभा चुनाव के लिए स्कूली बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला, दिया मतदाता जागरूकता का संदेश। जिलाधिकारी ने कहा स्कूली बच्चों का सार्थक है प्रयास। गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी प्रतियोगिता के तहत छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए निजीकरण आवश्यक है विषय पर पक्ष विपक्ष में रखे अपने विचार। महाशिवरात्रि पर मुक्तेश्वर नाथ शिव मंदिर में
आस्था की उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था के साथ की पूजा अर्चना। 4 मार्च को अदा की जाएगी बाले मियां के लग्न की रस्म। कलेक्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में शुरू हुआ नामांकन की प्रक्रिया, 13 लोगों ने खरीदा पर्चा, नहीं हुआ कोई नामांकन, एडीएम प्रशासन ने लिया व्यवस्था का जायजा। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में मंगलवार से आरंभ हुई 7 दिवसीय योग शिविर, वक्ताओं ने समसामयिक परिवेश में योग एवं प्राणायाम पर रखे विचार। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चला हस्ताक्षर अभियान, की जिलाधिकारी ने शुरुआत, कहा अपने मतों का अवश्य करें प्रयोग। खादी प्रदर्शनी में सदरी और शाल की धूम। गोरखपुर महानगर में 12 अप्रैल तक धारा 144 लागू। और लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी ने लगाई जीत की हैट्रिक। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।